नमस्कार। आज कार्टून ड्राइंग की इस क्लास में हम एक कार्टून स्ट्रिप बनाने वाले हैं। ये कार्टून स्ट्रिप जो हम बना रहे हैं, कोरोना वायरस पे बच्चों पर क्या इफेक्ट हो रहा है उस पर हमने बनाई है, एक फनी स्ट्रिप बनाई है। हमारा कंसेप्ट कुछ ऐसा है, एक बच्चा है जो अपने उन दिनों को याद कर रहा है जब वो दोस्तों के साथ मस्ती करता था, बाहर खेलने जाता था, और वो सोच के उदास हो जाता है। तब वो अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ, और उसकी जो मदर होती है वो उसको बोलती है कि विदाउट आप प्रोटेक्शन के बाहर नहीं जाएंगे, और उसे मास्क और सैनिटाइजर देकर सैनिटाइज करके और उसे बाहर भेजती है। तो ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसको कि हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो पैनल हमारा रहेगा उसमें वो बच्चा जो कि सोच रहा है कि हम कैसे मस्ती करते थे बाहर, कैसे खेलते थे, स्केटिंग करते थे, और उसके दोस्त भी ऐसे ही अपनी अपनी खिड़की में खड़े होके, बालकनी में खड़े होके सोच रहे हैं। तो वो हम बना रहे हैं, एक ही पैनल में हमें सारे बच्चे बनाने हैं। तो हम पहले एक बच्चा बना रहे हैं। स्क्वायर शेप में मैंने फिगर लिया है। जो कि बहुत खुश है, बाहर खेल रहा है वो। स्केट्स पे वो खेल रहा है, हमने उसके स्केट्स बना दिए हैं। और ये उसका एक इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन के लिए इमेजिनेशन वाला एक बबल हमने बनाया है। और ये जो बच्चा है यहाँ बैठ के सोच रहा है और उदास हो रहा है। ये इसकी बालकनी में वो खड़ा वो सोच रहा है। ऐसे ही उसके फ्रेंड्स हैं, वो भी अपनी अपनी बालकनी में उदास से एक और फ्रेंड है उसका, जो कि वो भी अपनी बालकनी में उदास से बैठा हुआ है। ठीक है, इसी में अब हम कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट्स भी देते हैं। ये सोच रहा है तो बबल्स बना दिए, ये बच्चा स्केटिंग कर रहा है तो कुछ इसमें स्पेशल इफेक्ट्स हम दे देते हैं, धूल उड़ रही है उस तरीके का। इस तरह से हमने एक पैनल बनाया। अब दूसरे पैनल में ये बच्चा जो है अपनी मदर से बोल रहा है कि मदर मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसके लिए हम इसका एक रूम बनाते हैं जो कि दरवाज़ा खुला हुआ है। जहाँ से वो बाहर जा रहा है डायलॉग्स देने हैं, तो हमने उसके लिए बबल बना दिया। और बाहर जाने के नाम से ही ये बच्चा बहुत खुश है।
अपना स्केटबोर्ड लेके। बाहर जा रहा है, लेकिन उसकी मदर उसे बोल रही है बैकग्राउंड से। उसकी मदर हमें डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बाहर जाने की के पहले गेयर्स, आपके जो भी प्रोटेक्टिव गेयर्स हैं वो आपको लेने हैं। अब ये जो डायलॉग्स हमें देने हैं उस टेक्स्ट का भी हमको पूरा ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ लिखें उसे, कहीं भी कैसे भी नहीं लिखना है। तो इसके लिए हम कुछ लाइन्स प्रॉपर हम खींच लेते हैं और इस पर हम लिख देते हैं। हम सारा कुछ कैपिटल में ही लिख रहे हैं ताकि पढ़ने में ईजी हो। इस तरह से हमने कुछ लाइंस लिख दी हैं। मॉम आई एम गोना राइड माई स्केचबोर्ड, ये इसके डायलॉग्स हैं। देन इसकी मदर जो कह रही है नॉट विदाउट योर प्रोटेक्टिव गेयर्स। ये भी हमें प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ में लिखना है क्योंकि इससे भी हमारा ड्राइंग और सुंदर होता है। बैकग्राउंड से अगर हमें डायलॉग्स देने होते हैं तो हम उसका बबल कुछ इस तरह से बनाते हैं, और अगर किसी कैरेक्टर जो कि हमारी फ्रेम में है और उसका डायलॉग हमें बनाना है तो हम स्ट्रेट लाइंस के साथ बनाते हैं। अभी यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है ये रेडी है अपने गेयर्स के साथ में। मास्क किसने पहना है, मास्क जो कि कोरोना के लिए जरूरी है, और स्केटबोर्ड चला रहा है तो उसकी एसेसरीज भी इसने पहनी हुई है। हैंड ग्लव्स पहने हुए हैं। और शूज पहने हुए स्केटबोर्ड हम बना देंगे इसका। इस तरीके से यहां पर भी कुछ डायलॉग्स हमें देने हैं तो हम यहां पर लिख देंगे कि डायलॉग्स हम लिख देंगे। मदर जो कि बैकग्राउंड से बोल रही है क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल तैयार है कोरोना से लड़ने के लिए, और ये बच्चा अपने इमेजिनेशन में कुछ सोच रहा है कि अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ। तो क्योंकि इसने अपने सारे प्रोटेक्टिव गेयर्स ले लिए हैं, सैनिटाइज की बोतल भी हम साथ में बना देते हैं। इस तरह से हमारा एक कार्टून स्ट्रिप कंप्लीट होता है। अभी ये हमने ड्रॉ किया है, इसमें हम कलरिंग के थ्रू या इंकिंग के थ्रू ब्लैक एंड वाइट भी हम इसको और अच्छा बना सकते हैं। तो अगली क्लास में हम इस पर इंक करेंगे, इंक से वर्क करेंगे और इसको और अच्छा सुंदर बनाएंगे।